नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुल्फी, जो कि 5 मिनट में तैयार होंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप दूध, 2 कटोरी दूध है। दूध को हम गर्म होने बैठा दिया है और इसमें अच्छे से जब उबाल आ जाए दूध में, तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 कटोरी चीनी। चीनी आप थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो तो। और ये 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। और देखिए गरम हो गया था दूध, तो हम थोड़ा सा दूध निकाल के रख लिए। इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। दूध कस्टर्ड पाउडर जब भी डालेंगे तो गरम दूध में नहीं डालना है, ठंडा दूध में डालेंगे, नहीं तो ये गरम दूध में अगर हम डाल देंगे तो ये गुठलियाँ पड़ जाएंगी, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जब भी कस्टर्ड पाउडर डालें तो ठंडा ही दूध में डालना है। तो और 2 कटोरी दूध था, तो 2 कटोरी दूध के लिए हम लिए हैं 2 से 2.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये वेनीला फ्लेवर्स का कस्टर्ड पाउडर है और इसमें हम 2.5 चम्मच डाल दिए हैं, बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर। उसे हम घोल लेंगे और दूध को हम गाढ़ा होने तक इसे हम पका लेंगे। देखिए वेनीला फ्लेवर्स का ये कस्टर्ड पाउडर है और इसे हम घोल के साइड में रख लेंगे। दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि हम जब कस्टर्ड पाउडर डालेंगे तो गाढ़ा हो ही जाएगा। कस्टर्ड पाउडर डाल के भी हमें इसे गाढ़ा करना है। ये बिल्कुल 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे और आप एक बार घर में बना लेंगे तो कुल्फ़ी वाले भैया जी का कुल्फ़ी भूल ही जाएंगे खाने के लिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मैं इसमें डाल दूंगी कस्टर्ड पाउडर जो घोल के रखे थे दूध के साथ, और इसे हम चलाते हुए इस दूध को हम गाढ़ा कर लेंगे। इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसे चलाते रहना है। और गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद। देखिए दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद दूध गाढ़ा होने में बिल्कुल टाइम नहीं लेता है, ये 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाता है। कुल्फी जब भी बनाए तो दूध गाढ़ा होना चाहिए और 4 इलायची कूट के इसमें डाल देंगे। किशमिश की जगह में आप कुछ भी ले सकते हैं, पिस्ता, काजू, कुछ भी हो आपके पास तो वो डाल सकते हैं इसमें। और इसे हम 3 कलर के बना रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी निकाल के इसमें हम फूड कलर डाल दिए हैं, ग्रीन, रेड और एक कुल्फी कलर का जो कलर था उसी को हम रखे हैं। इसे हम 1-1 चम्मच करके डाल देंगे। एक कॉफ़ी कप जो बाज़ार में मिलते हैं ना, वही कॉफ़ी कप है, इसी में मैं बनाऊंगी कुल्फी। अब रेड कलर वापस से डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल कुल्फी जो कस्टर्ड पाउडर डाल के रखे थे उससे भी बना सकते हैं। मैं इसे कलरफुल थोड़ी बना रही हूँ कि देखने में अच्छा लगे, वो भी अच्छा ही लगता है देखने में। वापस से मैं ये कलर का डाल दे रही हूँ। और आप चाहे तो इसमें सिल्वर फॉइल डाल के पैक कर देंगे, बीच में एक कट लगा देंगे, उसके बाद आइसक्रीम स्टिक रख देंगे बीच में, बीचों बीच स्टिक को रख देंगे। और इसे हम फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। सिल्वर फॉइल लगाने से होता क्या है, ये जो स्टिक रखे हैं वो बीच में अच्छा से रह जाता है, और डायरेक्ट आप इस तरह से रखेंगे तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। लेकिन हम दूध ज़्यादा गाढ़ा किए थे तो ये बिल्कुल हो गया था। देखिए 2 घंटे हो गए, अब इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। आप इसे कुछ सेकंड के लिए रख देंगे तो आप ये ऐसे ही कप से निकल जाता है, लेकिन
इतना वेट कौन करे, बच्चे लोग तो मानते नहीं, इसीलिए हम इस कप को फाड़ के निकाल दे रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा कलरफुल कुल्फी बन के तैयार हो गया है। एक बार आप लोग भी ज़रूर बनाएं। और अगर कॉफ़ी कप नहीं हो तो इस तरह कटोरी में भी हम बना सकते हैं, इस तरह से चम्मच से निकाल के खाइए, टेस्ट बिल्कुल सेम है इस तरह से। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बतलाएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी, और एक बार आप लोग भी ज़रूर बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।